Hello dosto, this is Vivek. So how to sharp your pencil like a pro? आपने बहुत बार देखा होगा कि एक बड़े बड़े आर्टिस्ट की जो पेंसिल की लीड होती है वो लॉन्ग होती है. सो उसके पीछे क्या रीज़न है पेंसिल की लीड को इतना लॉन्ग रखना और इतना शार्प रखना. एंड दोस्तों, प्रो आर्टिस्ट इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बड़े बड़े आर्टिस्ट ही इस तरीके से अपनी पेंसिल की लीड को लॉन्ग रखते हैं. तो किस तरह शार्प करनी है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं. ठीक है, कि हमें क्या करना है, पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना है. देख रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से पकड़ा और अपने शार्पनर को यानी या फिर ब्लेड को इस तरीके से शार्प करना है. ठीक है, आगे की तरफ, और जिस तरीके कितना ज़्यादा वो अच्छे से शार्प करे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना ताकि लीड जो है वो ब्रेक ना हो. तो इसी तरीके से आपको अपने ब्लेड से आगे की तरफ शार्प करना है. और पहले मार्क, सबसे स्टार्टिंग में ही आप मार्क कर सकते हैं कि इस जगह से आपको शार्प करना है. एंड फिर उसके बाद इसी तरीके से शार्प करते जाएं. एंड लीड पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है ताकि लीड जो है वो आपकी टूटे ना. इसी तरीके से आप शार्प करते रहिए. ब्लेड से पेंसिल की जो लीड है उसको हल्के हल्के से आप आगे की तरफ. तो दोस्तों, देख रहे होंगे कि आपकी पेंसिल की जो लीड है वो कितनी ज़्यादा मोटी है. सो हमें उसे ब्लेड से हल्का सा पतला करना है और फिर उसके बाद हम इसको और ज़्यादा थिन करेंगे. उससे पहले हमें सबसे पहले तो इसको हटा देना है. तो जितना भी डस्ट है आप इसको एक बॉक्स में कलेक्ट करके आप हटा सकते हैं. सो इसको एक बॉक्स में कलेक्ट करें और फेंक दें. फिर अब हम जो पहले लीड जो थी वो मोटी थी, इसको पतला करने के लिए आपको सैंड पेपर लेना है. सैंड पेपर भी दोस्तों मार्केट में वेरियस टाइप के आते हैं. किसी भी वुडन स्टोर से या किसी भी हार्डवेयर स्टोर से परचेज कर सकते हैं. उसके भी नंबर होते हैं, जितने ज़्यादा कम नंबर का होगा उतना ज़्यादा रफ होगा. तो नॉर्मल सैंड पेपर जो यूज़ होता है वही मैंने लिया है, वही आप भी ले सकते हैं. और इस तरीके से आपको राउंड करना है पेंसिल को. देख रहे हैं कि मेरे फिंगर्स को मैं किस तरीके से पेंसिल को राउंड एंड राउंड करके रफ कर रहा हूँ, और देखिए कि कितनी शार्प हो चुकी है पेंसिल. सो इसी तरीके से आपको भी शार्प करनी है. बार बार ब्लेड से साफ करेंगे तो थी पेंसिल की लीड जो वो टूट सकती है. सो आपको क्या करना है, इसी तरीके से सैंड पेपर पे रफ करना है और रफ करके और पेंसिल की लीड को थिन कर लेना है. और जो मैं ये अभी ब्लेड से कर रहा हूँ, ये क्या है, जो पेंसिल की लीड जिगजैग हो रखी थी, ठीक है, शार्प करते वक्त, सो उसको मैंने एकदम प्लेन कर दिया है, ठीक है, ब्लेड से. एंड नाउ पेंसिल जो हमारी रेडी है. इसी पेंसिल को हम यूज़ कर सकते हैं. और जो हमारा पाउडर बचा है, सो हम इस पाउडर को भी यूज़ में ले सकते हैं. आपको वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं. आपको इस तरीके से एक छोटी सी डिब्बी में पेंसिल के जो पाउडर है उसको कलेक्ट करके रख ले. इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है. आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि पाउडर का हम कहाँ और किस तरीके से यूज़ ले सकते हैं स्केचेस में. और जिनको पता है तो वेल एंड गुड, वो उनको पता होगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं. सो नाउ, अब हमारा जो मेन पॉइंट है कि पेंसिल को शार्प तो कर लिया, पर उसका यूज़ क्या है इतनी लॉन्ग लीड पेंसिल को रखना. सो इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो मैं लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप वेरियस टाइप की लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपकी पेंसिल ये शार्पनर के थ्रू शार्प होती तो आप इतनी वेरियस टाइप की लाइंस क्रिएट नहीं कर सकते थे. सो यही एक कारण है कि जो आर्टिस्ट जो लोग अपनी पेंसिल लॉन्ग रख क्रिएट करते हैं. और सो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा किस तरीके से पेंसिल को शार्प कर सकते हैं. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, सो ये साइड में दो वीडियोस आ रही हैं जिससे आप अपनी वैल्यूज स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं.